महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बड़ा हादसा, भारी बारिश से तवरे डैम टूटा, दो लोगों के शव बरामद। रत्नागिरी में डैम टूटने से 22 से 24 लोग लापता, एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरार आने की वजह से डैम टूटा, इलाके के 7 गांवों में बाढ़ आई। महाराष्ट्र में भारी बारिश से अब तक 37 लोगों की मौत, मलाड में मरने वालों की संख्या 21 पहुंची, सरकार ने जांच के आदेश दिए। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अनुमान, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। मुंबई में भारी बारिश को लेकर मछुआरों के लिए अलर्ट, समंदर से दूर रहने की चेतावनी। दिल्ली के हौज काजी में तोड़फोड़ की घटना के बाद आज फिर मंदिर खुला, मंदिर में आरती और पूजा की गई। कोलकाता के बाद दिल्ली की सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हौज काजी में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी संभव। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा होगी, विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल पूछा, बैलेट पेपर से चुनाव की मांग। राज्यसभा में कानून मंत्री चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देंगे, पीएम मोदी पहले ही ईवीएम पर सरकार का पक्ष रख चुके हैं। गृहमंत्री बनने के बाद आज पहली बार गुजरात जाएंगे अमित शाह, कल अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में शामिल होंगे। अहमदाबाद में फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, गांधीनगर में विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई, बीजेपी से निलंबित हो सकते हैं आकाश। आकाश विजयवर्गीय को लेकर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई है, संसदीय दल की बैठक में बिना नाम लिए बोले, ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी से चर्चा की, आकाश ने बैठ से सरकारी अधिकारी को पीटा था। 6 जुलाई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, सदस्यता अभियान को लॉन्च करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप, पैसे और पावर से कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराना चाहते हैं। ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के योगी सरकार के फैसले को केंद्र सरकार ने असंवैधानिक बताया, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का बयान। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पिछड़ा कार्ड, आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का फैसला। जयपुर में संख्यिकी मंत्रालय की वर्कशॉप, अनिगमित क्षेत्र में सर्वे को लेकर ट्रेनिंग दी गई, राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी पता करने का लक्ष्य। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगियों में आग, दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में टीचर का टॉर्चर, छात्र की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर जान से मारने की धमकी दी, वीडियो वायरल। कर्नाटक के मंगलुरु में नवभारत नाइट हाई स्कूल में फ्री शिक्षा, गरीब बच्चों, ऑटो चालक और महिलाओं को पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, लगातार 3री बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई।